खरगोन जिले के झरियान जनपद के ग्राम गावला के ग्रामीण सालों से पानी के लिए तरस रहे हैं। जहां झिरिया उद्वाहन की नहर से अछूते रहने के बाद ग्रामीण नहर नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा रहे हैं, साथ ही आगामी लोकसभा उपचुनाव के बहिष्कार पर अड़े हैं। बता दें कि पूर्व प्रभारी मंत्री अर्चना चिटनिस ने गांव का दौरा किया, जहां ग्रामीणों ने उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए उपचुनाव के बहिष्कार की बात कही। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि चाहे तो हो अब तक आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जी हाँ, और इसका जिम्मेदार सिर्फ शासन प्रशासन होगा। सब जवाबों पर भरोसा नहीं करेंगे। देश के आजाद होने के 80 साल बाद भी हम लोग संकटों से गुजर रहे हैं। हमारे कंठ प्यासे हैं, पेट भूखे हैं। इन परिस्थितियों में अब वादा खिलाफी कतई सहन नहीं होगी। जो दल अभी आने वाले निकट भविष्य में लोकसभा का खंडवा का उपचुनाव होने वाला है, और इस उपचुनाव में जो लोग ये प्रूफ करके बता देंगे, टेंडर जारी हो जाएंगे कि झिलना उद्वहन सिंचाई योजना के 49 विलेज और पंधाना उद्वहन सिंचाई 29 विलेज पूरे संपूर्ण क्या पूरे लिंक में और योजना में आ चुके हैं, उसके बाद ही हम मतदान करेंगे। और आप कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मान लीजिए चुनाव का इस कदर बहिष्कार होगा, इस कदर बहिष्कार होगा कि हम वोट नहीं डालेंगे, वोट हमारे साथियों से डालने नहीं देंगे, प्रशासनिक अधिकारी हम पर दबाव डालेंगे, लाठियां चलेगी सीने पर, सिर पर गोलियां चलेगी, सीने पर लाठियां चलेगी, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। आज हमारे गांव में जो झिरना उद्वहन सिंचाई योजना के झिरना तहसील के 49 गांव और पंधाना विधानसभा क्षेत्र के 29 गांव, कुल 78 गांव यह पानी से वंचित हैं। इसलिए पूरा गांव में यह नहर के लिए रैली निकाली गई है और शासन प्रशासन से बहुत बार अपील कर चुके हैं, पर यह मांग पूरी नहीं हुई है। इस मांग को लेकर हर पूरे गांव में यह नहर रैली निकाली गई है। हमारे गांव में पानी की समस्या है, हमको सब महिला पानी बाहर से लाते हैं और हमारे खेतों में पानी नहीं है, हमको पानी की जरूरत आवश्यकता है, और अगर पानी नहीं हमको मिला तो वोट